हेलो भाई, कैसे मेरे बड़े बंदे। सो भाई, स्वागत है अपना ब्लॉग चैनल में। और भाई, उठ के सभी हो गए रेडी शेडी एंड चाय पी रहे हैं भाई। किसी को चाय पीनी हो तो आ जाओ। और बाकी सारे सभी बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली यूट्यूब। बाकी अब लगते हैं भाई खेत में। आज थोड़ा घास वगैरह निकल आना है भाई खेत का, और साथ में थोड़ी बहुत दवाई भी डालनी है। ना देखते हैं भाई कितना का घास निकलेगा सारे दिन में। बाकी मौसम भी आज ऐसा ठीक ठाक से हुआ पड़ा है। और बाकी दिए भाई, आज धूप तो निकल गई है वैसे। और वैसे ठीक है भाई, छाया है हल्की फुल्की, चल जाएगा काम। और ये देखो भाई, गांव बड़े बड़े। ओ भाई, लग रहे हैं अब चाय ठोकने के लिए। उधर लग गए भाई बंदे घास वगैरह निकालने के लिए। एक बंदा तो वो लग गया, एक वो जा रहे हैं भाई दांती वगैरह लेने के लिए। और बाकी उधर भाई स्प्रे का भी जोर चल रहा है फुल। सब निकालते हैं थोड़ी देर में, अपन भी चाय वाके पी के मस्त चाय की चुस्की लेते अपन खेत में। तो भाई फाइनली खाना वाना खा के आ गए भाई वापिस। अब जा रहे हैं भाई खेत में रोटी। और भाई ये हाल हो रहा अपना, तो कपड़े वगैरह सारे हो रहे हैं ख़राब। बाकी आज ठीक है भाई, ठंड ठंड का थोड़ा मौसम हो रहा है अपना। सो अब चलते हैं भाई, थोड़ा बहुत ही रह गया घास, ज़्यादा तो नहीं बचा अभी। फटाफट घास वगैरह काट के और फिर बाकी लगे बने बंदे अपने। और इधर बहुत सारे घास की तरफ भी लगे हुए हैं, क्योंकि अब क्या खाद का भाई इनका लास्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई दान दोन में ताल निकाल गया, मैंने घास घूस निकाल के भाई हो गए थोड़ी बहुत बेल। और यो हाल होया भाई, ये गोडे गाडे फाड़ गए भाई कपड़े सारे। बाकी दान का बुरा हाल है भाई, खेती का सिस्टम बहुत खराब है भाई। थोड़ा सा उसमें बच गया है उस कैरी के अंदर, फिर देखांगे। बंदा गया थोड़ा कुछ चाय वगैरह लेना होगा, फिर करांगे। और बाकी ये है भाई ट्राली, जो मोटरसाइकिल का पीछा है, इसका ये छोटा सा फ्रेम है। और इसका इस ट्राली में अड़ा वो लगा दिया हुक वगैरह, तो इसका कोई फ्रेम बन जाए। बाकी इसमें न्यू है भाई, चार चार गट्टे का समथिंग इसकी कैपेसिटी है। छोटे छोटे बटैर लगा दिए, जो अपना एरो का भीतर लगे हुए थे जो लगा दिया सेम ट्राली की तरह भाई। अब इसमें आर्या वगैरह ले जाओगे अपन, ये चारा वगैरह ले जाओ जानवर खातर, जो मोटरसाइकिल पर भाई काम चल जाए। बाकी किसी भाई ने बनवानी हो तो ऑर्डर दे दिया, अपन कराएंगे कॉन्टेक्ट जरूर। कमेंट में नंबर भी डाल दिया आप गए भाई, था अंदर ट्राली पहुँचा देंगे जरूर यार। बाकी भाई मोटरसाइकिल भी फिलहाल लड़ा मौजूद चाहिएगा, क्योंकि MP के अंदर क्या इसका मिस्त्री नहीं मिलना रहा। और बाकी भाई मौसम भी हो गया थोड़ा ठंडा सा, और उड़ा भी लग रहे हैं भाई लोग वाग गेड़े मारना दाना में। ये सारे भाई अपने फैमिली वालों के ही हैं खेत, इधर भी अपने फैमिली वाले हैं और इधर भी हैं। बाकी चारों तरफ सारे मिलने वाले हैं। और ये बाकी खेतों भाई इसका सारे का मेन रास्ते लगते हैं, जो सीधे मोटरों पर ऐसे जा रहे हैं वहाँ पर। सभी पे कमरे हैं भाई क्या बने हुए। बाकी पास में अपने बिजली घर है, आनंद है भाई फुल। और बाकी भाई बारिश ने तो अब की बार नाम बराबर ही दर्शन दिए हैं, बारिश तो हुई नहीं है भाई बिल्कुल भी 2% भी। बाकी यहाँ आसपास में भाई शहर में पड़ जाती है, कल आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, तो वहाँ फतेहाबाद में गिर गई थी, इधर सिरसा में भी गिर गई। इस साइड अपना सिरसा रह जाता है। और सो बाकी ये हाल हुआ पड़ा भाई गारे गारे में सारा। एंड अब थोड़ी देर में भाई चलते हैं फिर अपने भी घर पे, और नहा धो के भाई होते हैं रेडी। बाकी अभी देखते हैं बंदा आता है थोड़ी देर में भाई, थोड़ा सा बचा हुआ इसको भी काम को करते हैं अपन फ्री। एंड देखते हैं फिर भाई, फाइनली उठाड़ के भाई आ गए हैं सुबह सुबह खेत में फिर से वापस। और भाई आज लगा रहे हैं थोड़ी अपना मोटर की लाइट का पानी का बारी है, तो वो लगा रहे हैं साथ में। थोड़ा दानों में पानी भी अपने कम है,
और बाकी वैसे भाई यहाँ पे ठंड से हो गई है, चालू ही दिखाऊँ आपको थोड़ा उन धान के पत्तों पे थोड़ा पानी इनमें भी आने लग गया भाई काफ़ी ज़्यादा। वैसे बाकी कल सारा कचरा वगैरह निकाल दिया था, बाकी काफ़ी बुरा हाल हो गया था भाई कल, बहुत हार्ड काम है भाई कचरे का, तो सारा दिन उनके ऊपर झुके हुए रहना पड़ता है। सो दिखाता हूँ भैया आपको, देखो धान पे सारी तरफ मकड़ियाँ मकड़ियाँ हो रही है, कुछ नमी आ रही है पौधों पे काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखो भाई पौधों पे सारों पे नमी आ रही है, ये मकड़ी के जाले ही बन रहे हैं साथ में, क्योंकि अब क्या अपने ठंड का टाइम चालू हो जाता है, जब भी ऐसे मकड़ी के जाले वगैरह बन जाते हैं ना तभी ये ठंड के जाले से बन जाते हैं वैसे। और बाकी वही धान में लगा रहे हैं आज पानी, बाकी इनमें सभी में सूखा पड़ा है फिलहाल, तो बाकी छोड़ दें पानी करके आऊँ मोटर चालू और अब चलते हैं उधर। एंड बाकी भाई चैनल को लाइक कर देना और शेयर भी कर दिया करो भाई थोड़ा, बाकी चलते हैं मोटर पे आपको दिखाते हैं बाकी। एंड तो भाई फाइनली हो गया अपन भाई फ्री यहाँ से खेत से, घास वास था भाई थोड़ा जो अपने उखाड़ फुखाड़ उखाड़ फुखाड़ जो भी कर दिया, और ये आगे भाई अपना फलन चीज यहाँ पे बंद करने थोड़ा, ये पानी भाई ये रिटर्न चल जाता है अपना मोटर का, तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पे, पाइप लाइन दबी हुई है भाई यहाँ पे सारी, ना इतनी ज़्यादा कोई लोड की दिक्कत आती है भाई ऐसे लगा के भाई, इसका इस क्यारे में पानी हो जाता है, इधर का इधर हो जाता है पानी क्यारे में, ज़्यादा ऐसे नहीं है भाई वो पहले वाला सिस्टम भाई, लगभग सारा ही ख़त्म हो गया अभी यहाँ पे, अब तो सारे भाई पाइपलाइन हो गए सारे खेतों में, मतलब चार चार किले के ऐसे कुछ पाइपलाइन दबा देते हैं और एक ही बोर से लग जाता सारे पानी, वैसे क्या पानी वेस्टेज नहीं होता, सीधा खेत में पहुंच जाता है क्यारे में, ना ज़्यादा जगह रुकती है। सो हम चलते हैं घर पे फिर दिखाते हैं आज आपको, ठीक है भाई। फाइनली अब घर पे आ गए थे अपन, और भाई थोड़ा यहाँ पे गांव में किसी की डेथ वगैरह हो गई थी, थोड़े लेडीज़ थी जो ओल्ड थी, तो उनकी कुछ खाने के प्रोग्राम में गए थे अपन तो, एंड अब फाइनली घर पहुँच गए हैं और अब जाना है भाई अपने को फिर से मार्केट में, और अब थोड़ी देर में निकलते हैं भाई मार्केट के लिए, कुछ आज मार्केट में भी अपने को काम है एंड सट्टा प्रोग्राम, बाकी पेट वेट हो गया भाई फुल, खाना वाना खा के मस्त, और घर पे भाई उसने कर रखा लड़के ने परेशान, जान खानी कर रखी उसने हमारी, वो देखो वो नंगा पंगा घूम रहा है भाई यहाँ बंदा पूरा। तो भाई फाइनली अब जा रहे हैं भाई अपने फतेहाबाद, तो बाइक लेकर निकल लिए हैं भाई, और ये आ गया भाई यहाँ पे दरियापुर जो किधर है भाई हमारा स्कूल, आधे वक्त तक आपको दिखाएंगे भाई थोड़ा। एंड अब चलते हैं भाई फतेहाबाद, थोड़ा सा काम अपने को साथ में, वो अपने पर देखिए कि उसकी स्कूल की कुछ फीस वगैरह पर आ क्या नहीं, साथ में उसके स्कूल में जाना है, बाकी ये है भाई हमारा स्कूल पहले पढ़ते थे हम यहाँ पे, मैंने ये 10th क्लास तक की है, उसके बाद भाई हम निकल लिए MP की तरफ, फिर MP निकल गए थे भाई, ये है भाई काफ़ी ठीक ठाक सा शहर है तो। so, भाई फाइनली यहाँ पहुँच गए थे भाई अपने स्कूल में, और ये है भाई इनका स्कूल ST जॉनसन इंटरनेशनल स्कूल है, ये अपने फतेहाबाद से पड़ जाता है भाई 4-5 किलोमीटर थोड़ा साइड में, तो यहाँ पे आए हैं भाई इनका फीस फूस का कुछ जमा कराने के लिए, और देखते हैं भाई वैसे क्या है टीचर का रिव्यू वगैरह कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, एंड चलते हैं अंदर देखते हैं भाई। फाइनली घर पहुंच गए थे, और भाई ये बंदे ने कर रखा भाई परेशान, चल रहा भाई होमवर्क इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, और इधर पता नहीं क्या ही लफड़ा है बड़ा। सो भाई फाइनली हो गई भाई बहुत दिनों बाद मौसम की फुल तैयारी, तो भाई देखते हैं आज बारिश आती है कि नहीं आती अपने खेत में, बाकी मौसम भाई फुल काली शाह घटा हुई पड़ी है, देखते हैं भाई कितना बरसता है,
कितना क्या कंडीशन बनती है। बाकी अब ये आ जाए तो बढ़िया ही है भाई, धान में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी इधर तो अपने छतरियाँ डानी वगैरह भुआ वगैरह रहते हैं, तो उनके काफ़ी हो रही है, तकड़ी बारिश हो रही है भाई इधर भी। सो अब देखते हैं भाई कब तक आती है बारिश भी। एंड मोटरसाइकिल वगैरह भाई इधर कर देते हैं अपन। एंड भाई फुल तगड़ा मौसम बन रहा है, पूरी काली शाख घटा हुई पड़ी है भाई। बाइक को करते हैं भाई थोड़ा साइड में और फिर भाई देखते हैं भाई कितनी बारिश आती है यहाँ पे। भाई फुल तगड़ा मौसम बना पड़ा है, या फिर अपन भी चलते हैं भाई थोड़ी देर में घर पे, वहीं पे फिर भाई देखते हैं। ले भाई फाइनली भाई बारिश पहुंच गई है, दर्शन दिए भाई बहुत दिनों बाद बारिश ने। फाइनली बहुत दिनों बाद भाई बारिश हो गई है, बाकी कर गया भाई गीला वीला। और बताते हैं आपको, देखा बाल्टी में कितनी बारिश हुई है भाई, इसमें तो भाई कुछ भी नहीं हुई। वैसे पहले थे भाई ये जो निशान दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, बाकी यहाँ तक हो गए थे इसमें पानी, ये एक डेढ़ उंगल का अंदाज़ा लग रहा है अभी, इतना बारिश हो गई होगी यहाँ पे। एंड बाकी अब खुल गया भाई मौसम, हवा चल रही थोड़ी बहुत ठंडी बहुत। बाकी अब भाई धान की ऐसे समझो खेती में बहुत फ़र्क पड़ गया, बाकी धान लगभग सारे अब सही हो जाएंगे अपने। मैं कोई इनमें अपनी सुंडी वगैरह की शिकायत होती है कि पत्ता लपेट की पता नहीं ऐसी कुछ होती है, तो थोड़ा धान अब फूट भी बढ़िया कर देगा अपनी, और लगभग अब धान बढ़िया हो जाएगा। और थोड़े बीमारी से भाई ऐसे हैवी बारिश से थोड़ा धान भी दुब जाता है, तो जिससे थोड़ी दिक्कत भी नहीं आती। एंड बाकी लगभग धान सारा बढ़िया हो जाता है अपना। और बाकी भाई अब डालते हैं एक दो दिन में अपन भी खाद की करते हैं अब तैयारी जल्दी से जल्दी। एंड बाकी बने रहना आप अपने यूट्यूब चैनल पे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई और शेयर भी कर देना जितना उसके उतना। एंड चलते हैं अब थोड़ी देर में अपन भी घर पे, और फिर जाके भाई करते हैं वीडियो को अपलोड वगैरह। बाकी भाई उधर लगे पड़े हैं, थोड़े बहुत रह गया उनका धान का निकालने का कचरा, बताते हैं आपको उधर वो लग रहे हैं भाई उधर। और बाकी उधर तो पता नहीं भाई धूप निकल गई है क्या होगा, आई डोंट नो भाई। चलते हैं अपन भी, ये आ जाएंगे भाई बाद में अपने हिसाब से निकलते हैं।